हेलो गाइस, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल A2 क्विज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप गाइस GDS टू MTS पोस्टमैन मेलगार्ड एंड PA के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर गाइस आप लोगों ने इसके लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर या फिर आप हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन पर जाकर वहां से आप देख लीजिएगा। तो गाइस आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फ्रैंकिंग मशीन का रिचार्ज किया जाता है? ऑप्शन ए नेट बैंकिंग, बी कैश, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ द एवब। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, बैंकिंग और कैश के थ्रू फ्रैंकिंग मशीन का रिचार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल डाकघरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देर से पोस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने का इरादा, रविवार और डाक छुट्टियों पर बंद रहे, बुक सरपेस और एयर मेल लेटर मेल के पंजीकृत लेख बीमा धारक और बीपी को छोड़कर, या फिर नन ऑफ द दीज। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी सुविधा शाखा डाकघर द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? ऑप्शन ए पंजीकृत लेख की बुकिंग, मेल का वितरण, बचत खाते से निकासी, अंतर्राष्ट्रीय मेल की बुकिंग। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों पर कार्य करता है? ऑप्शन ए नाइट पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ द एवब। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नाइट पोस्ट ऑफिस, NPO होता है वो, छुट्टी और रविवार के दिन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानिर्देशक किसी भी डाकघर के कार्य समय को कब तक बढ़ा सकता है? ऑप्शन ए 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30, 10। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8:30 बजे, 8:30 PM तक जो महानिर्देशक DG होते हैं वो एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि डाकघरों के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? ऑप्शन ए है RMS में खोले गए हैं, ऑप्शन बी है रविवार को कार्य ना करें, ऑप्शन सी है 24 घंटे कार्य करता है, ऑप्शन डी है कार्य दिवसों और रविवार को रात्रि 8:30 बजे तक कार्य करता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कार्य दिवसों और रविवार को रात्रि 8:30 बजे तक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रात्रि डाकघर पर कार्य होता है? ऑप्शन है नेशनल हॉलीडेज, संडे हो, पोस्टल हॉलीडेज, ऑल ऑफ द एवब। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एवब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि डाकघर रविवार को काम करते हैं? ऑप्शन ए फ्रॉम 9 AM टू 4 PM, फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, फ्रॉम 11 AM टू 3 PM, फ्रॉम 10 AM टू 8 PM। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खराबी के मामले में फ्रैंकिंग मशीन के मरम्मत किसकी उपस्थिति में की जानी चाहिए? ऑप्शन ए डिविजनल हेड, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, PRI, पोस्ट मास्टर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा PRI। इसका गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताइए कि PRI का फुल फॉर्म क्या है। मैं बहुत ही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होगा। फ्रैंकिंग मशीन की डाई पर मोहर लगाने के नारे विज्ञापन को मंजूरी देने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए हेड ऑफ द डिवीजन, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, हेड ऑफ सर्किल, ऑप्शन डी है पोस्ट मास्टर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हेड ऑफ द डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गाइस आप लोगों ने मेरी फ्रैंकिंग मशीन की लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। फ्रैंक लेक केवल 2 डाकघरों में ही पोस्ट किया
जा सकता है जो इसके द्वारा अधिकृत है। फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड ओनली इन टू पोस्ट ऑफिस विच आर ऑथराइज्ड बाई डायरेक्टर जनरल हेड ऑफ द सर्किल पीएमजी सुप्रीटेंड। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सुप्रीटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्त फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस के लिए शुल्क क्या है? फी फॉर एक्सपायर्ड फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज 375, 100, 475, 250। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 475। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, प्रभाग के प्रमुख द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस, एक्नॉलेज्ड ऑफ मशीन एंड ओवरसी एड्रेस प्रूफ, नन ऑफ द एवब। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5,000 रुपये के बाद फ्रैंकिंग के लिए कमीशन क्या है? 5,000 के बाद जो इसका कमीशन होता है वो क्या है वो बताना है। 5%, 4%, 3%, 2%। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज RMFM? तो गाइस जो ये है ये फुल फॉर्म वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो ऑप्शन में क्या दिए गए, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन, रिमोटली मेंटेनेड फ्रैंकिंग मशीन, रिमोटली मॉनिटरेड फ्रैंकिंग मशीन, रूलर मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए है, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। आप गाइस इसकी अच्छे से स्पेलिंग देख लीजिएगा, और यहीं पर आंसर आते हुए भी जल्दी के हमारे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, तो इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन को टिक आउट करें आंसर को तो बहुत ही सोच समझ कर टिक आउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली तारीख की फ्रैंकिंग छाप वाले लेख RMS में स्वीकार किए जाएंगे, डाकघर में स्वीकार किया जाएगा, लेटर बॉक्स में पोस्ट करना होगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन फ्रैंक्ड लेख अधिकतम निर्दिष्ट लाइसेंस वाले डाकघरों में पोस्ट किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 4, 3, 2, 1। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक प्रभाग के प्रमुख द्वारा वैध लाइसेंस के तहत जारी फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल उस विशेष डाक प्रभाग में, ऑप्शन बी भारत में कहीं भी, ऑप्शन सी घेरे में कहीं भी, ऑप्शन डी विश्व में कहीं भी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए केवल उस विशेष डाक प्रभाग में। ए पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज, एक पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन क्या है? एक स्टम्पिंग मशीन है, सीलिंग मशीन है, ए टाइपराइटर, ए कंप्यूटर। तो गाइस जो फ्रैंकिंग मशीन है वो एक स्टम्पिंग मशीन है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, ये भी बहुत बार पिछले ईयर क्वेश्चन में मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि लेटर बॉक्स में कोई खुला लेख मिल जाए तो क्या करेंगे? देखो इसे प्रेषक को लौटा जाना चाहिए, इसे अवैतनिक माना जाना चाहिए, पुलिस केस दर्ज किया जाएगा, फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। अब बताइए इसमें कौन सी कंडीशन सही है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इसे अवैतनिक माना जाएगा, क्या अनपेड की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। फ्रैंकिंग इम्प्रेशन एक होना चाहिए, फ्रैंकिंग इम्प्रेशन शुड बी, ऑप्शन ए ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, रेड और ब्लैक कलर। अगर गाइस इसमें ब्राइट रेड हो तो ब्राइट रेड लगाएंगे, और तो गाइस इसका हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें ब्राइट रेड नहीं है तो देखते हैं, तो इसका रेड आंसर आएगा, क्या होगा रेड, जो फ्रैंकिंग मशीन है वो रेड कलर की छाप देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि 8:30 बजे तक
कार्य करने वाले डाकघर को कहलाते हैं। अभी मैंने इसको ऊपर पढ़ा था, वही घुमा फिरा के ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है इसका आंसर। नाइट पोस्ट ऑफिस, हॉलीडे पोस्ट ऑफिस, रेस्ट्रिक्टेड पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NPO, नाइट पोस्ट ऑफिस। NPO, नाइट पोस्ट ऑफिस को NPO भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल डाकघरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, देर से पोस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का इरादा, रिमाइंड क्लोज ऑन संडेज एंड पोस्टल हॉलीडेज, बुक सरफेस एंड एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल, ऑप्शन डी, बुक ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बुक ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPO का फुल फॉर्म पूछा है, नाइट पोस्ट ऑफिस। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नाइट पोस्ट ऑफिस। किसी में एस नहीं है, ना ई एस है ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निजी उपयोगकर्ताओं द्वारा फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग हेतु लाइसेंस जारी किया जाता है। ऑप्शन ए, CPMG के द्वारा, PMG के द्वारा, DPS के द्वारा, SSP के द्वारा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, SP या फिर SSP के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग मशीन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस खंड के तहत दी जाती है? अब बताइए, क्लोज 11, क्लोज 10, क्लोज 9, क्लोज 12। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्लोज 11 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाकघर की खिड़की पर आम तौर पर किन वस्तुओं की डिलीवरी की जाती है? इसके लिए वसूल की जाने वाली सीमा शुल्क की न्यूनतम राशि क्या है? 10 रुपये, 24, 50, 75। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक लेटर पोस्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए, लेटर बॉक्स, मेल वैन, बॉथ ए और बी, नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बॉथ ए और बी। जो लेटर बॉक्स और जो मेल वैन है इनमें फ्रैंक आर्टिकल को बुक पोस्ट नहीं किया जाता है। अगर आपने पोस्ट किया तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गाइस इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर GDS 2 MTS पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की प्रमोशन की तैयारी करा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यूट्यूब, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, इंस्टा ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस क्लोज के तहत डाक टिकट और स्टेशनरी दी गई है? ऑप्शन ए, क्लोज 11, क्लोज 10, क्लोज 9, क्लोज 12। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोज 12 में क्या दिया गया है, डाक टिकट और स्टेशनरी दी गई है। अगर गाइस क्लोजेस की ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वे में ट्रिक बताई हुई है। और जो ये क्लोजेस होती हैं तो एक दूसरे में ऐड हो जाती है कि किस क्लोज में क्या दिया गया है, किस क्लोज में क्या नहीं। तो ऐसे मैंने इसकी ट्रिक रखी थी। तो एक मैं ट्रिक बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी थी। जैसे रात्रिकालीन डाकघर है वो किस क्लोज में दिया गया है, रात्रिकालीन डाकघर, तो रात्रि क्या है, त्रि से 3 हो जाएगा, तो क्लोज 3 में दिया गया है। ऐसे मैंने वहाँ पर ट्रिक्स के माध्यम से क्लोजेस बताई हुई हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय महाकाल।